हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? माय नेम इज़ तलहा। आज का हमारा टॉपिक है किन लोगों को यूएई आना चाहिए। बास टाइम ये होता है कि कुछ लोग अपनी होम कंट्री में बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, पर वो जैसे नेट पे या किसी चीज़ पे देखते हैं कि हमारी तो सैलरी इतनी है पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश में, और वहाँ हमें जो है 3 गुना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है, तो हम वहीं चले जाते हैं, वहीं जाके नौकरी कर लेते हैं, अपनी लाइफ को अच्छी बना लेते हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहूँगा जिनके ऊपर जैसे बहुत सारी, जिन लोगों को ना आना चाहिए और मतलब थोड़ा सर्चिंग कर कर आए, जिन लोगों के पास जैसे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अगर वो सर्च करने के लिए आना चाहते हैं, जिनके पास जैसे डिपेंडेंसी ज़्यादा है कि घर का किराया देना है, बिजली गैस हर चीज़ मतलब खर्चा निकालना है, फ़ीस देनी है, तो वो लोग थोड़ा सोच समझ कर आएँ। अगर यहाँ आपकी कोई जॉब पक्की होती है, 100% श्योर है, तो इस तरह कर कर आएँ, जैसे रिक्स ले के मत आएँ कि हम 3 महीने का विजिट वीज़ा ले लेंगे या 2 महीने का ले लेंगे, वहाँ जाके जॉब सर्च कर लेंगे, लग जाएंगे आराम से। तो इतना मतलब ईजी वे नहीं है अगर आपकी जॉब वहाँ पर अच्छी है, क्योंकि सिर्फ आप हमारी जो सबसे एशियन कंट्री वालों की गलती क्या होती है कि ये जो भी सैलरी मिलती है धर्म में उसको डायरेक्टली अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कहते हैं भाई हमें 3 गुना 4 गुना मिलती है। तो जहाँ जिस कंट्री करेंसी और ख़र्चा भी उसी हिसाब से होता है, जैसे यहाँ पे जो है आपका कम से कम बेड स्पेस भी 700-800 इस तरह का होता है, अगर आप पार्टीशन लेते हैं तो 1000-1200 का होता है, तो एक बड़ी अमाउंट जो है, अगर आपकी सैलरी जैसे 2000 है 3000 है, तो समझे 1000-1200 तो इसमें निकल गया, खाने पीने में 500 निकल गया, तो पीछे जो है इस तरह से वो होती है, अमाउंट बचती है। तो जो आपकी होम कंट्री में है तो जाहिर सी बात है घर तो होता ही है, सबका रेंट पर हो या जो भी हो तो अलग से कोई देना नहीं पड़ता, तो वो भी एक चीज़ें होती हैं। और कि अगर आप और इस तरह आप अपनी जॉब को इस तरह भी छोड़कर मत आएँ कि आप यहाँ पर आते ही आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी बहुत आराम से, तो यहाँ पर भी थोड़ा मतलब सर्चिंग करनी पड़ती है, जॉब को देखना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है, और जैसे आपके हिसाब से मिले। बास टाइम ये होता है कि होता तो बंदा बैचलर है पर उसको उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही होती, किसी जैसे मॉल में मिल गई, इसकी उसकी कैटेगरी की नहीं मिली, उसमें नहीं मिली, कम सैलरी पे मिल गई, तो बास टाइम मजबूरन लोग कर लेते हैं पर अपनी फील्ड को छोड़ देते हैं। ये भी एक गलत चीज़ है कि अपनी फील्ड को मतलब ऐसे मत छोड़ें कि दूसरी फील्ड में चले गए, आपका अकाउंट्स है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस इंडिया का है, पाकिस्तान का है, कहीं का भी है, और यहाँ पे आपने खाली जॉब हासिल करने के लिए वो कर लिया, तो वो भी एक मजबूरन तो चले सही है, पर वैसे छोड़ देंगे तो आपके जैसे लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदेह है। अगर कुछ, क्योंकि इतना जॉब स्विच करना इतना आसान नहीं है कि लोग बस आज ये है तो कल वो है, कम से कम 20 साल करना पड़ता है, क्योंकि वरना जो है वीज़ा ये वो 10 चीज़ें होती हैं सारी, एक कॉस्ट होती है, तो आपके लिए भी एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो आप ये है कि अगर अच्छी नौकरी पे कर रहे हैं अपनी होम कंट्री पे वो है, तो सारी चीज़ें जॉब कंफर्म होने के बाद, पक्की होने के बाद करें और फिर आएँ। तो मेरा भी यही था, जो मैंने भी इसी तरह ही मतलब करा, अपनी कंट्री में कर रहा था जॉब और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो मेरा वहीं बैठे बैठे हो गया। तो फिर मैंने जो है अपनी कंपनी में ये भी नहीं बोला कि मैं जॉब छोड़ दिए, मैंने अपनी जो जॉब जहाँ मैं कर रहा था मैंने उनको ये बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि मैंने एनुअल लीव लेनी थी, मैंने कहा मुझे 1 मंथ की छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने मुझे दी, फिर मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आके भी ऐसे नहीं हुआ कि फ़ौरन नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग हो गई, इसमें भी 10 दिन लगा, मैंने अपना खर्चे सारे ये वो सब कुछ खुद करा मतलब, तो उसमें भी कॉस्ट आई। फिर उसके बाद में मेरी जॉब फिर लगी, ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू हुआ मतलब, फिर काम वाम शुरू मैंने मतलब किया, तो फिर बाद में मैंने बता दिया कि भाई मैंने वहाँ मेरी जॉब हो गई है, या मैंने कुछ और इसी तरह कुछ बोल के मैंने कि मेरी लग गई, तो वो हो गया। तो ये एक सेफ साइड है। और किन लोगों को आना चाहिए, जैसे जिनकी ऊपर मैंने कहा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, जिन्होंने फ्रेश ग्रेजुएशन ये वो सब किया है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, जो जिनको पता है कि चले अगर हम 3 महीने खर्चा नहीं बेचेंगे तो चल जाएगा, या ऐसा कोई हमारी रिक्वायरमेंट की हमारे मतलब नियर टू रिक्वायरमेंट भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिली तो हम वापस भी आ जाए तो हम मतलब हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा, तो ऐसे लोग आए अपनी किस्मत आजमाएं। दुबई के इंटरनेशनल जो है प्लेस है, तो इसमें एक फ़ायदा ही होता है, आप जॉब करते तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी बनता है आपका, तो अगर आप खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ का कुछ टोटका ही है कि मतलब अच्छी जॉब जो है ना वो 3रे महीने में ही मिलती है,
जैसे हल्की ये वो तो जॉब मिल जाती, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट की है वो 3 से 4 महीने तो उसमें लग ही जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से देखा है सुना है, मतलब जिनकी जॉब वो होती है तो उनको 3-4 महीने अगर जॉब नहीं होती तो लग ही जाते हैं। तो मिनिमम आपको 3 से 4 महीने का खर्चा लेकर आना है, सारी चीज़ें हैं और टेंशन, मतलब ये वो करेंगे तो फिर वैसा नहीं होगा और आने से पहले अप्लाई करना है। तो ये वीडियो का बनाने का मकसद था कि अगर आपकी बहुत अच्छी आपकी कंट्री में जॉब है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ कर मत आएं, पहले कंफर्म होने के बाद में थोड़ी सी एनुअल लीव ले लें या फिर देख के फिर इस तरह करके स्विच करें। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी सवाल है वो इंस्टाग्राम पे पूछें।